हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं किरण। दोस्तों, आज मैं आपको मेरी खूबसूरत और लंबे बालों का राज आपके साथ शेयर करने वाली हूं, और साथ के साथ मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त DIY नुस्खा बता रही हूं बालों को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए। एकदम मैजिकल वाला तेल बता रही हूं, जिस तेल के इस्तेमाल से आपके बाल होंगे बेहद खूबसूरत, लंबे, घने, मुलायम, और टूटना झड़ना दोस्तों बिल्कुल कम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वो मैजिकल सा DIY मैजिकल ऑयल का नुस्खा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाहिए होगा आज की जो सबसे पहली सामग्री मैंने ली है, ये हमारा है अनियन। अनियन दोस्तों यानी कि प्याज। प्याज हमारे किचन में ऑल टाइम अवेलेबल होता है, और प्याज का रस हमारे बालों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है इसका आपको असर जब दिखेगा, जब आप इसके कोई प्रोडक्ट्स लेने जाओगे। बहुत ही महंगे बिकते हैं दोस्तों इसके प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं हमारे बालों के लिए। आप अनियन शैम्पू लो या फिर अनियन हेयर ऑयल लो, बाहर से बहुत ही महंगे मिलते हैं, और साथ के साथ इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। तो दोस्तों घर पर भी आप इस तरीके से जबरदस्त नुस्खा बना करके अनियन ऑयल बना सकते हो, प्याज का ऑयल बना सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पे एक वीक का ही नुस्खा बना रही हूँ, एक वीक का ही तेल बना रही हूँ। आप चाहे तो 15 दिन का, या फिर आप चाहे तो महीने भर का भी एक साथ बना करके रख सकते हो। उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है बिल्कुल छोटे वाले प्याज का आधा पार्ट को इस तरीके से काटा हुआ है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सा नुस्खा है, अपनाइएगा जरूर। उसके बाद आपको लेना है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। नारियल का तेल दोस्तों हमारे बालों के लिए कितना फायदेमंद है ये आपको जब आप अपने बालों पर लगाते होंगे उसी से पता चलता होगा। अभी सर्दियों का मौसम है तो नारियल तेल अक्सर सर्दियों के मौसम में जम जाता है, और जमा हुआ ये जो तेल होता है कहा जाता है बिल्कुल ओरिजिनल होता है, इसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको कोकोनट ऑयल लेना है। तो मैं एक वीक का बना रही हूँ, यानी कि एक वीक में अक्सर लोग दो बार ऑयलिंग जरूर करते हैं, तो मैं भी दो बार जरूर करती हूँ। तो दो बार के हिसाब से मैं लगभग 2 चम्मच से 2.5 चम्मच 3 चम्मच ही डालूंगी, बहुत ही ज्यादा नहीं डालना है। और अगर आपको बच भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप नेक्स्ट वीक में लगा सकते हो, और घर के किसी भी सदस्य को लगा सकते हो। उसके बाद अगली सामग्री जो लेना है दोस्तों ये हमारा है मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों बहुत ही मैजिकली काम करता है हमारे बालों पर, हमारे बालों में जो है टूटने झड़ने की जो रफ्तार है उसको कम करता है, हमारे बालों में बालनेस, अक्सर गंजापन की जो शिकायत होती है धीरे धीरे बाल उड़ने लगता है उसकी शिकायत को कम करता है। मेजिकल इसलिए कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है अगर मेथी दाना का इस्तेमाल आप अपने बालों के लिए करते हो ना तो टूटते झड़ते बाल को रोकता ही है, साथ के साथ ही गंजे सर पर भी बाल उगाने की शक्ति होती है। अगली सामग्री आपको लेनी है कलौंजी। कलौंजी के भी सेम ऐसे ही फायदे होते हैं दोस्तों, इसके भी इतने मैजिकल फायदे होते हैं। कहा जाता है अगर कलौंजी आप अपने बालों पर लगाते हो ना इसके तेल, तो बालों की जो है सफ़ेद होने की जो क्षमता होती है, ग्रेनेस जो होता है बालों का वो कम हो जाता है, बालों का नेचुरल कालापन वापस आ जाता है। तो सभी के सभी चीज़ें आपको बालों के लिए फायदेमंद वाली ही है। जो अनियन हो गया यानी प्याज जो हो गया उससे हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, मेथी दाना से हमारे बालों की टूटने झड़ने की रफ्तार कम हो जाती है, नए बाल उगते हैं, और कलौंजी हमने लिया है हमारे बालों को काला बना करके रखता है, बिल्कुल ग्रे होने नहीं देता है दोस्तों। तो जितनी सामग्री है सबके सब बहुत ही मैजिकली आपके बाल के ऊपर काम करेगा। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है आपको अगले स्टेप में, बहुत ही धीमी आँच पे, इन सभी चीज़ों का आपको क्या करना है बहुत ही कम आंच पे, बहुत ही कम गैस पे, धीमी आंच पे इसको पकाना है, ताकि जो है सभी चीज़ें एक साथ ही जल्दी से जले नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जितने अच्छे से इसको पकाओगे ना तो इस जितनी भी हमने चीज़ें डाली है वो सभी बहुत ही अच्छे से तेल में आएगा, उसकी जो अच्छे वाले गुण होते हैं बालों को जैसे मजबूत करने वाले, टूटने झड़ने से बचाने वाले, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे आपके तेल में आएगा। यहाँ पर अगर आपको तेल की कंसिस्टेंसी, तेल की क्वांटिटी कम लगे दोस्तों तो थोड़ा सा तेल आप ऐड कर सकते हो, बाद में भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में ही बना के रखें, क्योंकि आपके बालों के अगर टूटने झड़ने की समस्याएं हैं, बाल बहुत ही जल्दी झड़ते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती है, तो ये वाला तेल आप जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों। बनाना बहुत ही आसान है, आप आराम से अपने घर पे इसको तैयार कर सकते हैं। बाहर के तेल लगाने से बचे, घर का DIY बना करके आप नुस्खा तैयार करें और उसी को आप अपने बालों पे इस्तेमाल करें, चाहे तेल का नुस्खा हो या फिर और भी बहुत सारे DIYs मैं बनाती रहती हूँ मेरे चैनल पे, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, टूटना झड़ना कम हो जाता है। इसी प्रकार आप भी अपने घर पर इस तरीके का तेल बनाएं और बालों में अप्लाई करें दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तेल है, जो प्याज वगैरह बहुत ही हल्का ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा जल जाएगा। तो जैसे ही ब्राउन होने लगे गैस को उसी टाइम पर आपको बंद कर देना है और फिर इसको अच्छे से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद देख सकते हैं काफी अच्छे से ये सभी चीजें और भी डार्क ब्राउन में हो चुकी है, यानी और भी अच्छे से काला हो चुका है, भुन चुका है। तो क्या करना है इसको अच्छे से आपको स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है, ताकि बहुत ही बढ़िया वाला तेल आपको मिले। ठीक है, इसको इतने अच्छे से छानना है कि ये जितनी सामग्री है वो सभी के सभी ऊपर रह जाए और आपको एक बहुत ही बढ़िया वाला तेल मिले दोस्तों। अब दोस्तों आपको एक बहुत ही मैजिकल तेल मिला है, यहाँ पे आप चाहें तो एक दो चीज और ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर रही हूँ जिससे हमारा तेल और भी ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। तेल तो अभी भी बहुत ही अच्छा बना है, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़, जैसे कि ये हमारा है विटामिन ई की कैप्सूल, ये आपको मेडिकल शॉप पे एवियन 400 करके मिल जाएगा। ये कैप्सूल दोस्तों हमारे बालों की बढ़ने की रफ्तार को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर देता है, यानी कि 10 गुनी 15 गुनी रफ्तार से हमारे बाल बढ़ते हैं, बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, बालों में शाइन ऐड होता है, हमारे बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो सभी की सभी चीज़ें जितनी भी मैंने डाली है सबके सब बहुत ही फायदेमंद वाली चीज़ है दोस्तों, आपके बाल को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बना देगा। आपने अभी देखा होगा कि मेरे बाल कैसे हैं पहले और आपके बाल में कंपेयर करना, मेरे बाल पहले बहुत ही ज़्यादा टूटते थे, झड़ते थे, फिर मैंने घर के इस तरीके का DIY अपनाना शुरू किया और उसके बाद मेरे बाल बहुत ही
सुंदर हो गए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये तेल लगाने के पहले कोशिश करें अपने बालों के पूरे टैंगल्स हटाएं, बालों को अच्छे से कॉम करके सुलझाएं। उसके बाद आप चाहते हैं यहाँ पे फिंगर टिप की मदद से या फिर इस तरीके से कॉटन बॉल की मदद से पूरे बाल के स्कैल्प पे लगाएं, पहले स्कैल्प पे लगाएं। और दोस्तों ध्यान रखें कि बाल में तभी तेल करें, बाल में वीक में कम से कम दो बार शैम्पू करें। बाल को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है, अगर आपका स्कैल्प स्वस्थ रहेगा तो आपके बालों को टूटने चलने की रफ्तार ऐसे ही कम हो जाएगी। तो जो साफ और सुथरे बाल में अच्छे से तेल करें, ऑयलिंग करें, डीप ऑयलिंग करें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कम कम लगा के छोड़ देना है। स्कैल्प के साथ साथ आपको पूरे बालों पर लगा करके और मसाज देना जरूरी है, 15 मिनट मसाज जरूर करें। मसाज देने से जो बाल है बिल्कुल जड़ों तक जाता है, स्कैल्प के अंदर तक जाता है, पोषण मिलता है बालों को। और जब बालों को जड़ों का अच्छे से पोषण मिलेगा तो बाल ऐसे ही अच्छे से ग्रोथ होगा और टूटना झड़ना कम होगा। अब दोस्तों तेल लगाने के बाद क्या करें, इस तरीके से टैंगल हटा करके और इस तरीके से आपको बाल को अच्छे से बना लेना है। जैसे कि आप अक्सर आप देखिए चोटी जैसा बना करके रखोगे तो बाल झड़ेंगे भी नहीं, उलझेंगे नहीं और फिर बाल टूटेंगे नहीं, और इससे आपके बाल की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों, इस तरीके से। और फिर अगले दिन आपको क्या करना है, रात में ऑयलिंग करें या फिर 2 घंटे पहले, नहाने के 2 घंटे पहले ऑयलिंग करें और फिर शैम्पू करके धो लें। दोस्तों पहले बार के इस्तेमाल से आपको इतना फर्क दिखेगा, आपके बालों की जो सॉफ्टनेस है बहुत ही जल्दी लगेगी। 1 महीने भर ये तेल लगा के देखिए, बालों की जो बढ़ने की रफ्तार है दोस्तों बहुत ही अच्छी होगी, बाल की खोल भी चमक वापस आएगी, बाल बहुत ही सुंदर खूबसूरत और सिल्की शाइनी हो जाएंगे। दोस्तों ये मेरे बालों का सीक्रेट है, बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट है, मैं हमेशा ये वाला अप्लाई करती हूँ अपने बालों के लिए और मेरे बाल आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है, मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है और बहुत सारे लोग तारीफ भी करते हैं। तो इसका सीक्रेट यही है, और भी बहुत सारे DIYs मैं ट्राई करती रहती हूँ अपने बालों के लिए। तो घर का नुस्खा अपनाएं अपने बालों पर, बालों को सुंदर रखें, खूबसूरत रखें, साफ रखें कोशिश करें, और फिर सुंदर बाल आपको ऐसे ही अच्छे लगेंगे दोस्तों, मिलते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।